अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्न टू स्पेंड। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिससे आप लोग जो है टिकटॉक ऐप को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। ये मेथड बिल्कुल फ्री है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएँ और आप लोग जो है टिकटॉक ऐप को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस मिलती रहें, आप लोग जो है फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो आप लोगों ने जी सबसे पहले जो है गूगल पर सर्च कर लेना है टिकटॉक। और जैसे ही आप लोग जो है टिकटॉक को सर्च करते हैं गूगल पर, तो आप लोगों के सामने ये टिकटॉक के एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाता है और नीचे कुछ टिकटॉक की डिटेल और आ जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग जो है कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप लोग जो है टिकटॉक ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते हैं तो आप लोग जो है इनको एप्पल, अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से टिकटॉक की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो है टिकटॉक वीडियोस जो होती हैं उनको डाउनलोड करके कंपाइलेशन क्रिएट करनी है, यानी कि कुछ वीडियोस को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और उनको एक वीडियो एडिटर की मदद से आप लोगों ने उन सारी वीडियोज़ को कम्बाइन करके एक वीडियो बना लेनी है। अब ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा जो कि एक यूज़र इसी तरह की स्ट्रेटजी को वर्क करते हुए YouTube से TikTok की वीडियोस को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेंडिंग TikTok। अगर आप लोग YouTube पर सर्च करें, सिर्फ TikTok लिख दें या ट्रेंडिंग TikTok करें तो ये सबसे पहले आप लोगों को यही चैनल आता है। और इस पर जो है ये जो वीडियोस हैं TikTok, क्योंकि TikTok जो है बहुत ही मशहूर एक ऐप है और इस पर जो वीडियोस होती हैं वो YouTube पर भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं इन पर, और इससे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग भी मिलती है। अब ये जो चैनल है इसकी जो अर्निंग है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है जहाँ आप लोग जो है किसी भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या फिर ट्विटर के अकाउंट की सारी उसकी स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टिकटॉक का चैनल यहाँ पर सर्च किया है तो इन्होंने इसकी सारी डिटेल्स मेरे सामने शो कर दी हैं कि इतने सब्सक्राइबर हैं, इतनी वीडियोस के इतने मिनट्स हैं, और यहाँ पर जो है नीचे इनकी हर वीडियो की टोटल अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप देखें तो जो ट्यूज़डे वाली वीडियो है उस पर अभी तक इनके जो हैं 1,70,000 व्यूज़ आ चुके हैं और $43 से लेकर $684 तक की अराउंड जो है इनकी अर्निंग हो चुकी है। इसी तरह जो है इनकी नीचे डेली अर्निंग जो है वो भी 1.3K तक जाती है और वीकली जो अर्निंग है वो 9.3K तक, यानी कि 9,300 तक जो है इनकी अर्निंग जाती है, $9,300। और अगर $1 की बात करें तो वो तकरीबन 155 या 160 के करीब करीब है। तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी जो अर्निंग है वो कितनी ज़्यादा होती है। ये सारी सिर्फ टिकटॉक वीडियोस की वजह से होती हैं, क्योंकि जो टिकटॉक की वीडियोस है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यूट्यूब पर उनको देखते हैं और टिकटॉक की वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग जो हैं इसको यूज़ करेंगे, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो आप लोग जो हैं यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट करना है। आप लोगों ने जो है द्वारा टिकटॉक ऐप या टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ से भी आप लोग चाहें वीडियोस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने जो है उनको एक कंपाइलेशन उनकी क्रिएट करनी है, यानी कि 10 से 12 मिनट की वीडियो आप लोगों ने बनानी है और यूट्यूब का एक चैनल आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। यूट्यूब का चैनल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो है सिर्फ एक महीना इस चैनल को देना है आप लोगों ने, यानी कि 30 दिन इस चैनल को देने हैं आप लोगों ने। 30 दिन में आप लोगों ने जो डेली एक वीडियो पोस्ट करनी है। 30 दिन के बाद चाहें तो आप लोग जो हैं एक हफ्ते के बाद एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो 5 दिन बाद या 3 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ये टोटली आप पर होगा। एक महीना अगर आप लोग जो हैं लगातार वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो ये समझेगा कि आप लोग जो है वाकई यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं। एक महीना लगातार वीडियोस अपलोड करने के बाद YouTube जो होगा वो ऑटोमेटिकली आप लोगों की वीडियो जो है वो सजेस्टिंग में शो करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम YouTube ओपन करें तो सबसे पहले
जो है होम पेज पर ही काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ जाती हैं, जिनमें से कुछ को हम लोग चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं लेकिन कुछ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होते, वो यूट्यूब खुद ऑटो सजेस्ट कर देता है। इसी तरह हमारी वीडियोस भी यूट्यूब जो है वो सजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हमें जो है अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ व्यूज़ सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं। इस पर जो है अगर आप लोग जो है मेहनत करेंगे एक महीना लगातार, और उसके बाद आप लोग जो है दो दिन बाद, एक दिन बाद, जैसे आप लोग चाहें वीडियोस अपलोड करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से दो महीने के अंदर अंदर आप लोगों का इस कैटेगरी में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर आप लोग जो है इसको सीरियसली लेते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक जो है पैसिव ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस अपलोड करके छोड़ देना और अर्निंग जो है वो आप लोगों की ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और जैसे ही आप लोगों का चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा जब, तो अगर उसके बाद आप लोग कोई वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते, तो आप लोगों की जो पुरानी वीडियोस होंगी उन्हीं पर ऐड रन होते रहेंगे और जो जो लोग देखेंगे उससे आप लोगों को अर्निंग मिलती रहेगी। तो ये एक मेथड था टिकटॉक की वीडियोस को यूज़ करने का। शायद सुनने में आप लोगों को इतना अच्छा ना लगे, लेकिन अब अगर आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और अच्छे से इस मेथड को यूज़ करेंगे, टिकटॉक का जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है उस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर लाकर अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।